अगर आप पेशेंस को डेवलप करना सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। NLPwithneha.com इज द वेबसाइट जहाँ पर आप हमारे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं और आप मेरे साथ या मेरी टीम मेम्बर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले वॉच दिस। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू एट माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि पेशेंस जैसी बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल हम कैसे डेवलप करें। पेशेंस एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी स्किल है जो कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में मिस करते हैं, होती नहीं है। रेस्टलेस हो जाते हैं, फियर्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। तो इस स्किल को कैसे डेवलप करें एक एक करके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो आपको जानना है और आपको मुझे बताना है कि क्या आप इम्पेशेंट होते हो। अपने आप से कन्फ्रंट करना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप का सामना करना बहुत ज़रूरी है। सच सच बताइएगा, डू यू लूज पेशेंस? राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, येस आई एम इम्पेशेंट एंड आई वॉन्ट टू डेवलप पेशेंस। लिखिए कॉमेंट बॉक्स में। सबसे पहले ये है, अपने आप का सामना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है, आज मैं आपको 30 डेज़ का चैलेंज दे रही हूँ अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करने के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन होती है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर उस टाइम हम पेशेंस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम हम उस सिचुएशन से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं तो एकदम से वो स्किल नहीं आएगी। तो अगले 30 दिन के लिए जो सबसे पहला मेरा एक सजेशन है आपके लिए, वो ये कि अगले 30 दिन के लिए दिन में 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठिए और अपने आप से पूछिए कि मैं रेगुलर बेसिस पे और पेशेंस कैसे डेवलप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, आपके माइंड अपने आप आपको और आइडियाज़ देने शुरू कर देगा। हालांकि मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, लेकिन 10 मिनट कम से कम आपको अपने साथ बिल्कुल शांत होकर, स्टिल होकर बैठना पड़ेगा। जितने भी लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं वो अपने साथ नहीं बैठते हैं। अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उनको दूसरों से, चीज़ों से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है और जब वो मीट नहीं होती है, दैट्स द टाइम वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। होता है आपके साथ? अगर होता है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, येस इट हैपन्स विद मी। अपने आप का सामना करिए आज सबसे पहले। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आज ना ये देख लीजिए कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। डेफिनेटली एक ट्रिगर नहीं होगा आपका, काफ़ी सारे ट्रिगर होंगे, है ना। अलग अलग सिचुएशन में ट्रिगर्स होंगे। कभी कभी कुछ लोग आपके ट्रिगर होंगे, कभी कोई पर्टिकुलर विजुअल आपका ट्रिगर होगा, कभी कभी किसी का कुछ बोल देना आपका कोई ट्रिगर होगा, राइट। तो आपके ट्रिगर्स क्या है एग्जैक्टली, आपको आज वो देखना है। जो भी आपके ट्रिगर्स हैं आज उसकी लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, ऑलराइट, मैं आपको ना अपना एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सालों से मैं ऑफकोर्स इवेंट्स होस्ट कर रही हूँ और जब हम इवेंट्स में होते हैं तो नेचुरली यू हैव टू लुक द बेस्ट, यू हैव टू फील द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट एज वेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी प्रेजेंटेशन में, राइट। तो मुझे हमेशा से बहुत शौक था कि मैं लंबे नेल्स रखूँ और मेरे नेल्स ना कभी बढ़ते नहीं थे, मोस्टली इम्पेशेंस की वजह से। जल्दबाजी होती थी और मैं इतनी केयर भी नहीं कर पाती थी। तो क्या होता था कि मैं जब भी सैलून जाती थी अपने नेल एक्सटेंशन के लिए, वो 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं बहुत रेस्टलेस होती थी, क्योंकि मैं बहुत देर तक इतनी स्टिल होकर नहीं बैठ सकती। अपार्ट फ्रॉम कि जब मैं मेडिटेशन में बैठूं, राइट, और कोई मेरे नेल्स पे काम कर रहा है, मेरे दोनों हार्ट बेसिकली ऑक्यूपाइड हैं, मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती थी, मैं एक सैलून में बहुत इम्पेशेंट हो जाती थी। अभी भी कभी कभी हो जाती बट पहले ज़्यादा होती थी, राइट। सो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को ढूंढा। तो मेरा ट्रिगर क्या था? मेरा ट्रिगर ये नहीं था कि सिर्फ नेल एक्सटेंशन के टाइम में, मेरा ट्रिगर ये होता था डीप डाउन, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई और मेरे को उस टाइम कंट्रोल कर रहा है। मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरे हाथ, मेरे दोनों हाथ फॉर एग्जांपल किसी और के कंट्रोल में हैं। तो मैंने इस चीज़ को अपने अंदर डीप डाउन समझना शुरू किया कि क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो उसके साथ मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई करनी शुरू करी एंड ऑटोमेटिकली अब जब भी कभी मैं सैलून जाती हूँ मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, पेशेंट रहती हूँ। इनफैक्ट देयर वाज अ लेडी जो मुझे कई बार बोलती थी कि नेहा आप हमेशा जल्दी में क्यों रहते हो? तो मैं जल्दी में नहीं होती थी, सिर्फ उस टाइम में जल्दी में होती थी। क्योंकि सैलून मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, मैं इतनी देर तक वहाँ नहीं बैठ सकती थी। सो
तो कई बार ऐसा होता था कि मैं सलोन के ही लोगों को, स्टाफ को अपने घर बुलाती थी अपना काम करवाने के लिए, राइट। तो आपको देखना है कि आपके ट्रिगर्स क्या क्या हैं। मेरे ट्रिगर्स मोस्टली जो होते थे वो होते थे सलोन के, और होते थे पैसों को लेकर। कई बार जैसे कोई पैसे आने हैं वो नहीं आए तो रेस्टलेसनेस हो जाती थी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है ना। तो अपने ट्रिगर्स को ढूंढिए कि आपके क्या क्या ट्रिगर्स हैं, ठीक है। और हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट अपने साथ शांत होकर बैठें कि अगर मैं इस तरीके से इंपेशेंट होता रहा या होती रही तो कितना सारा और नुकसान हो सकता है मेरी लाइफ में, है ना। ये हो गया दूसरी चीज़, ट्रिगर्स। नेक्स्ट इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार लोग इसका मतलब समझते नहीं है, वो मैं आज आपको डीपली समझाऊंगी। जो भी सिचुएशन हो रही है जिसमें आप पेशेंस को लूज़ कर रहे हो, है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, इस टाइप की वीडियोस हो सकती हैं जहाँ पर आप ज़्यादातर लोगों से अच्छा नॉलेज, ज्ञान सुनो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है। एक्सेप्टेंस भी अपने आप में बिल्कुल ही एक अलग स्किल है, लेकिन काफ़ी रिलेटेड है पेशेंस से। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस को गलत तरीके से समझते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, अच्छा ये है इस वक्त, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ओके, मैं क्या कर सकती हूँ इस वक्त ताकि ये मुझे इतना बॉदर ना करे। क्या हो रहा है कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अपने ही माइंड में सोच रहे हो, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं वहाँ खड़ा हूँ, उस लंबे क्यू में खड़ा हूँ, एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन इंटरनली तो आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो ना, राइट। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट कि जब आप उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्या आप ऑपोजिट कर सकते हो, क्या आप अलग कर सकते हो ताकि ये सिचुएशन फिर से ना हो। और अगर ये सिचुएशन फिर से होती है जो कि आपके कंट्रोल में शायद नहीं होगी, तब आप ऐसा क्या कर सकते हो। जैसे कई बार हम अगर हम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्यू में खड़े हैं, है ना, मेरा ये भी एक थोड़ा बहुत ट्रिगर होता था, इसलिए मैं काफ़ी अवॉइड करती थी क्यूज़। मैं आज भी क्यूज़ में नहीं खड़ी हो सकती हूँ, आई के नॉट स्टैंड इन क्यूज़। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि या फिर तो मैं क्यू में खड़ी ना हूँ, या फिर मैं किसी और से जान पहचान से वो अपना काम करा लूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करप्शन, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कहीं ना कहीं मैं क्यू में खड़ी नहीं हो सकती। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाना है और वहाँ क्यू में खड़ा होना होगा तो मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं हो सकती। इसका एक और भी रीज़न है क्योंकि मेरे कुछ एक्सीडेंट्स हो रखे हैं बहुत पहले, तो कई बार अगर मैं बहुत देर खड़ी होती हूँ तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स माई स्पाइन एज वेल, ओके। तो मे बी हो सकता है कि आपका कोई हेल्थ ट्रिगर भी हो सकता है ना। तो मेरा मेनली होता था कि हेल्थ ट्रिगर, मुझे बहुत देर तक अगर मैं खड़ी होती थी तो इट यूज़ टू रियली बॉदर मी अलॉट। अभी मैं खड़ी हो सकती हूँ, बस मैं प्रेफर नहीं करती बहुत देर तक खड़े होना, राइट, क्यू में, ओके। तो या फिर तो मैं पहले से एडवांस बुकिंग कर लूँगी या मैं पहले अपॉइंटमेंट ले लूँगी सो दैट आई जस्ट रीच देयर ऑन द राइट टाइम। तो आपको देखना होगा कि जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो सिचुएशन को, एक्सेप्ट करके आप कोई एक्शन ले रहे हो ताकि एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक ऐसा एक्शन लो सो दैट इट कैन हेल्प यू एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, एक्सेप्टेंस एक चीज़ है और एक्सेप्टेंस के साथ एक राइट एक्शन लेना अलग चीज़ है। जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद हम कुछ करते नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए या उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, तो उसका मतलब हम सिर्फ पैसिव एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, एक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना किसी से या अपने आप से भी फॉर दैट मैटर, वो हमारे अंदर एक परफेक्शनिज्म को क्रिएट करता है। और जितना आप कोशिश करेंगे या आप हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को परफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, वहीं पर आप मिजरेबल हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बहुत गुस्सा भी आपके अंदर आने लग जाएगा। और एक कहावत भी है दैट अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन एन अनकंट्रोलेबल सिचुएशन सेव्स यू ईयर्स ऑफ रिग्रेट। यानी कि अगर आप एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में थोड़ा सा भी पेशेंस रखते हैं तो आप बहुत सालों के रिग्रेट को सेव कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपको गुस्सा आ जाता है इंपेशेंस की वजह से और अनएक्सेप्टेंस की वजह से, और क्या होता है बाद में आप ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ होता है ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, ये शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, राइट। रिग्रेट ऐसे ऐसे छोटे 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 रिग्रेट्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में आपको बहुत सालों का जो रिग्रेट है उससे बचाएगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, सिर्फ हम अपने माइंड को या अपनी बॉडी को अफेक्ट नहीं करते हैं जब भी हम इंपेशेंट हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ओवरली इंपेशेंट रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, पता है क्या होता है, आप अपनी सोल को, अपनी आत्मा को रुइन कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मन और बॉडी पर तो असर हो ही रहा है, अपनी आत्मा को बर्बाद कर रहे हो आप, है ना। तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलूँगी यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि जब भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं तो हम नेचुरल हमारे अंदर एक
होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, ये ऐसा क्यों नहीं करता, अगर ये ऐसा करे, ये ऐसा होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में जा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हमारा फोकस आउटर वर्ल्ड में है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बेटरमेंट हो सके, सिर्फ वो कुछ मोमेंट्स ऑफ बेटरमेंट के लिए आप दूसरों को कंप्लेन या क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और उससे होता क्या है, अगेन आपकी सोल, आत्मा बर्बाद होती है, रुइन होती है। सो ये जो थोड़ा सा पेशेंस आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करेंगे अगले 30 दिनों में, अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हो, अगर आप चाहें तो मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल भी ले सकते हैं, और अलाइनमेंट कॉल में मैं आपको हेल्प करूँगी धीरे धीरे करके कैसे। और मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप उसको लेकर इंपेशेंट हो जाओ। आप इस वीडियो को देखकर भी इंपेशेंट हो सकते हो। कई बार ना हम अपने सोशल मीडिया को देखते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं, पता भी नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं, यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं इंपेशेंस के टाइम पे। तो अपने ट्रिगर्स को ढूंढिए, ट्रिगर्स में आप कैसे बिहेव करते हैं उसको देखिए, और क्या नया बिहेवियर रिप्लेस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए। और साथ के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जब भी हम गुस्सा होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, सिर्फ मिनट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एंगर, यू नो, इट सप्रेसेस योर इम्यून सिस्टम फॉर 5 आवर्स। कैन यू बिलीव दैट? सो आप कैसे अपने बॉडी पर तो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं, साथ के साथ सोल, बॉडी, माइंड, सब इम्पैक्ट हो रहा है इन अ नेगेटिव वे। सो इम्पेशेंस को अब आप कैसे डेवलप करेंगे, ट्रिगर्स को ढूंढिए, लिस्ट बनाइए उस ट्रिगर की, अगले 30 दिन के लिए 10 मिनट सिर्फ सेपरेटली अपने साथ बैठिए, चाहे आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन ना भी चल रही हो, है ना, तब भी आप सिर्फ 10 मिनट अब इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करिए। अभी कुछ दिनों में कुछ, यू नो, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया स्टेप है मेरी लाइफ का, तो उसको होने में भी थोड़ा सा टाइम है, राइट? तो ये जो दिन चल रहे हैं मेरी लाइफ में, ये बहुत मेरे से पेशेंस की डिमांड कर रहे हैं, है ना। और इस पेशेंस में अगर मैं कुछ भी डिसीजन गलत ले लेती हूँ जल्दीबाजी में कि चलो कुछ तो करना है मुझे, एंड आई एम समबडी हु लव्स टू वर्क, हु लव्स टू डू थिंग्स, यू नो, आई लव टू मेडिटेट, बट मैं 24 घंटे भी मेडिटेट नहीं कर सकती हूँ ना, आई लव टू डू योगा, अपने 24 घंटे वो भी नहीं कर सकती हूँ। तो देर आर टाइम्स जब कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, वो टाइम होगा जिस टाइम आप कुछ गलत कर सकते हो, या जब भी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होगी, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगले कुछ 10-12 दिन में कुछ मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया हुआ है जिस पर मेरे को काम करना शुरू करना है 10 दिन के बाद, तो ये जो 10 दिन है ये थोड़े से मेरे लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं पहले सिर्फ योगा करती थी, तो मैं स्विमिंग के लिए भी जाती हूँ, अपने आप को मैं थोड़ा सा बिज़ी भी रख रही हूँ, है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप बिज़ी हो सको, है ना। और ख़ास तौर से अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंपेशेंस है, रहता है, ट्रिगर्स होते हैं चेस्ट में, स्टमक में, यू नो, पैल्पिटेशंस होती हैं, तो मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसा करिए रेगुलर बेसिस पर जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट हो सके। क्योंकि जब भी आपको अपने मन पे काम करना है, तो सिर्फ मन पे काम करने से आपकी लाइफ में अफेक्ट नहीं होगा, पेशेंस नहीं डेवलप होगा, आपको बॉडी और माइंड की अलाइनमेंट भी लानी पड़ेगी। अगर आप इन डिटेल इसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी फॉर द अलाइनमेंट कॉल, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। प्लीज़ अपनी सोल को रुइन मत करिए, अपने आप को अनरूटेड फील मत करिए जब जब आप बहुत ज़्यादा, यू नो, इम्पेशेंट हो जाते हैं। इट्स टाइम टू वंस अगेन नरिश योर सोल। Thank you so much. If you like this video, please do subscribe to this channel. And if you have any questions for us, please do write down in the comment box as well. Thank you so much. Bye.